प्लीज स्टॉप इट यार, अपना मूड सही कर, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और वैसे भी ये रास्ता 20 किलोमीटर छोटा है, हाईवे पे कितना ट्रैफिक होता, और तू लड़कियों की तरह कंप्लेन किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये शॉर्टकट अच्छा नहीं है। अच्छा चल ठीक है ठीक है, आगे देख। आगे ही तो देख रहा हूँ। क्या हमने इसको ठोक दिया? ओ गॉड, हे भगवान, यार मुझे पता नहीं कैसे हो गया है। ओ गॉड, भगवान, यार यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर हमने उसे मारा है उसकी बॉडी तो होनी चाहिए ना, अगर है कहाँ वो गाड़ी? कार? यार ये तो उसी आदमी की गाड़ी होगी, यार हमसे मदद मांग रहा होगा, हमने उसको उड़ा दिया। चल चल देखते हैं। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है, अगर मैंने हिट करा तो यार गाड़ी तो होनी चाहिए ना। यार आई थिंक चलते हैं यहाँ से, नहीं तो ये तो एक्सीडेंट का केस बन जाएगा यार। चल 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 यार। गाड़ी में तो कोई नहीं था। अली जी यार लाइट, लाइट कैसे जल गई? तरफ आ रही है। कल्पना कीजिए गाड़ियां जो अपने आप चलती हैं, जिनकी पूजा की जाती है, जो मानो जिंदा होती हैं, यहां तक कि एक ऐसी बेलगाम गाड़ी जो अपने आप तेज रफ्तार से चलते हुए सड़क पर मासूमों की जान लेती है। ये सब मनगढ़ंत किस्से कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। इसका एक सबूत है मोटरसाइकिल देवता का ये मंदिर, ये ओम बना की समाधि है, एक पावन पूजनीय स्थल। बात सन 1991 की है। श्री ओम बना पाली से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार वापस अपने गांव चोटीला लौट रहे थे, जब उनकी मोटरसाइकिल अचानक सड़क पर फिसल गई और एक पेड़ से जा टकराई। उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल जो चलने की हालत में नहीं लग रही थी उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अगले ही दिन वही मोटरसाइकिल फिर उसी दुर्घटना स्थल पर पाई गई। पुलिस ने सोचा कि किसी ने बुरा मजाक किया है, वो फिर उस मोटरसाइकिल को वापस पुलिस स्टेशन ले आए, लेकिन अगले दिन सुबह फिर वो मोटरसाइकिल उसी जगह पर मिली। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास होने लगा कि ओम बना की आत्मा उसी दुर्घटना स्थल पर ही ठहर गई है और उस मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई है। ओम बना के किस्से दूर दूर तक सुने सुनाए जाने लगे और लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक गांव वाले ने बताया कि एक कार इसी दुर्घटना स्थल पर फिसल गई और एक खाई में जा गिरी। जख्मी हालत में उसका चालक वहीं पड़ा पड़ा दम तोड़ने ही वाला था, मगर तब एक अजीबोगरीब घटना हुई। चालक का कहना है कि उसे खुद ओम बना ने खाई से निकाला और उसकी जान बचाई, और आज भी मंदिर के आसपास के गांव में रात को कई बार ओम बना की मोटरसाइकिल शुरू होने की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे कई किस्से इस मंदिर के बारे में प्रचलित हैं। इन किस्सों ने इस मंदिर की लोकप्रियता को और बढ़ावा दिया है और अब ये एक तीर्थ स्थल सा बन गया है। हमारी आज की सच्ची घटना भी कुछ इसी प्रकार की। जब मैं घर में था ही नहीं तो मेरी गाड़ी कैसे हो सकती है? वो तो गैराज में लॉक्ड खड़ी है। इसका मतलब ये है कि जिस रात ये हादसा हुआ उस वक्त आप किसी शादी में थे? जी हाँ, मैं अपने एक दोस्त की शादी में था, साबित कर सकता हूँ। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उस वक्त मुझे वहां पर देखा है, मैं पूरी रात वहां पर था, फिर आपका अर्जेंटली कॉल आया और मुझे आना पड़ा, वरना मैं एक दो दिन और रुकता वहां पर। वो मैं जानता हूँ मिस्टर आदित्य, आपसे बात करनी थी इसीलिए यहाँ पर आया। खैर एक सवाल पूछना है, क्या आपको लगता है आपके अलावा कोई दूसरा आदमी हो सकता है जिसके पास आपकी गाड़ी की चाबी हो? शायद उस रात किसी ने गाड़ी को बाहर निकाला हो। गाड़ी की चाबी घर के अंदर और घर लॉक्ड है, और घर की चाबी सिर्फ मेरे पास है, और वैसे भी
वो गाड़ी चलने की हालत में नहीं, जब से मुझे मिली है गैराज में खड़ी। इनफैक्ट उसे पहले भी कोई नहीं चलाता था। मतलब उसे कोई नहीं चलाता, मुझे भी मना किया गया कि उसे गैराज में ही रखो मगर चलाने की कोशिश मत कर। वो गाड़ी चेक करना चाहूंगा मैं। जरूर आइए। आइए ये देखिए। देखकर लगता है कि कार काफी दिनों से बंद है। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं इस गाड़ी को देखता भी नहीं, हमेशा कवर्ड रखता हूं। पता नहीं इसको देखकर कुछ अजीब सा लगता है। आप इतनी दूर क्यों खड़े? तो इतने समय से गाड़ी तो है नहीं। वो मेरे अंकल कहते थे ये गाड़ी बहुत अशुभ है, इसको जिसने भी चलाया उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और कुछ भी शायद आप कहना चाहते हैं बोलिए। मैंने कई बार रात में इसकी स्टार्ट होने की आवाज सुनी, ऐसा लगता था जैसे कोई इसका पूरा एक्सीलेटर दबा रहा। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, एक गाड़ी भला अपने आप स्टार्ट कैसे हो सकती है। बस यही सोचकर मैं इसके पास नहीं आता। आपके टच में रहूंगा, मुझे तहकीकात के लिए आपकी फिर से जरूरत पड़ेगी। जरूर चलिए। एक कार जो अपने आप चल सकती है, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ मुझे। ऐसा लगा बेवकूफ बना रहा है, चकमा देने की कोशिश कर रहा है, पर सच्चाई इतनी भयानक होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। हमारे सिक्योरिटी कैमरे ने एक अजीब सा दृश्य कैप्चर किया है, देखिए प्लीज। देख के बताइए कि आपको क्या लगता है। देखिए इसे थोड़ा गौर से देखिए, ये पर्टिकुलर फुटेज को अगर आप जूम करके पॉज करेंगे फिर देखिए। ये कैसे? देखिए विश्वास तो मुझे नहीं था आपकी बातों पे, लगा शायद आपके किसी मित्र या किसी दोस्त को आपने चाबी दी होगी और उसने इस कार के साथ एक्सीडेंट कर दिया। पर ये दृश्य देखने के बाद इस कार के साथ कुछ गड़बड़ है। ये वीडियो मैं किसी को नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं खुद पता करना चाहता हूं कि ये सब हुआ कैसे। मेरे चाचा जी ने कहा था ये कार शापित है, जिंक्स्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए इसे किसी को चलाना नहीं चाहिए। लेकिन इस कार के बारे में तो पता करना पड़ेगा,
अब ऐसी तो इस केस को मैं क्लोज नहीं कर सकता। मुझे कभी इन सुपर नेचुरल भूत प्रेत आत्मावाद पर विश्वास था ही नहीं। पुलिस वाला हूं, हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन होता है। एक गुनाह होता है तो गुनहगार भी होता है, पर यहां तो बात ही कुछ और निकली। मैंने पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाया मैकेनिक से। गाड़ी का इंजन पुराना हो चुका था, गियर घिस गए थे, ब्रेक्स में जंग लगी थी, इंजन ऑयल नहीं था, तेल नहीं था, गाड़ी चलने की हालत में थी नहीं, तो ये सब हुआ कैसे? कुछ तो चक्कर था। लगा पता करने का एक ही तरीका है, गाड़ी को चलाने की हालत में करवाया और निकल गया मैं उसे लेकर एक पर्सनल इंस्पेक्शन के लिए। सर हाँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। चाचा जी ने कहा था कि जो भी इसे चलाएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा, और आप तो अपने खुद भी देख लिए कि ये गाड़ी क्या कर सकती है। लेकिन इसे चेक ही करना है मुझे। नहीं, चाबी दीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए सर। सोच लिया। घबराइए मत, वैसे चेक करके सुबह आपको वापस कर दूंगा। ये सब बिल्कुल शॉक था, हिल गया था। मैंने किसी ना किसी को गाड़ी में देखा था, बिल्कुल साफ साफ। अब तो मुझे पता करना ही था कि चक्कर है क्या। मैंने गाड़ी के पेपर्स मंगवाए तो पता चला किसी आदित्य के पास आए थे जयपुर से, तो मैंने सोचा कि वहां जाकर और इन्वेस्टिगेट करता हूं।
कदर हो मर देश जी मार मार देश रो मैं कहीं करो बखान मार मार देश रो मैं कहीं करूं बखान धरती सुनहरी लहरियों के सरियो आसमान धरती सुनहरी लहरियों मां बड़ी काका ये मुंबई से इंस्पेक्टर साहब आए हैं अरे उससे कुछ बात कराना है यानी कम नमस्ते काका काका भानु प्रताप की गाड़ी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी गड्डी हाँ यो गड्डी मेरे साथ आइए जब वे गड्डी मारे हुकुम के परिवार में आई थी तब सब लोग घना खुश थे जैसे कि परिवार में कोई नयो सदस्य आयो हो अरे बापूजी कब आएंगे बड़ी देर हो गई भाऊजी घनी देर हो गई ये अभी तक आए नहीं ये तो तन्ने सही कहा इतनी देर तो ना लगनी चाहिए बच्चा गाड़ी घनी चौखी है थोड़ी पुरानी है पर थारे लोगन को बहुत भावेगी बहुत पसंद आवेगी वो आगे थारे भाऊजी और वो रही थारी नवी नवी गाड़ी प्रणाम बापू जी गाड़ी तो चौकी चले है ना बेटा हाँ बाबू जी बिल्कुल बढ़िया चले बहुत से पुर्जे बदलाने पड़े देश के कोने कोने से मंगवाना पड़ा पर घनी मेहनत लगी पर गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चले एकदम नई जैसी लोग देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे कहेंगे अब मिली है हुकुम को अपनी असली सवारी सच्ची कह रहे हो बेटा हाँ जी तो है चलो बाबू भीतर चलो कपड़े बदल के घूमने जावेंगे अच्छा बच्चा लोग गाड़ी में बैठ के स्टैचू सर्कल घूमने कौन कौन जावेगा मैं। तो चलो निकलो गाड़ी से अच्छा अच्छा बच्चों को खेलने दो चलो भीतर चलो आओ बचाओ बापू बचाओ बचाओ बापू बचाओ अरे गाड़ी बचाओ बचाओ अरे अरे रुको रुको ब्रेक दबा ब्रेक दबा अरे ब्रेक दबा ब्रेक दबा बचाओ बचाओ चलो 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 ये किसकी शरारत थी हाँ हैंड ब्रेक किसने छेड़ी हमने नहीं झूठ नहीं वरना सजा मिलेगी अब कोई नहीं जाएगा स्टैचू सर्कल घूमने के लिए चलो अंदर गुस्सा ना कर राघव शांत हो जा सब ठीक है सब बहू बच्चन ने भीतर लेके जा जी बाबूजी अरे इतना क्यों हिले हैं सीधे क्यों नहीं बैठ सके हैं गाड़ी ये ठीक नहीं है ये गाड़ी अपने आप चल रही है यो गाड़ी अपने आप चले हैं काका अरे कुछ नहीं बापू जी तुम लोग इस गाड़ी की अहमियत तब समझोगे जब बड़े हो जाओगे असली राजा की सवारी थी ये बहुत कम ऐसी गाड़ियां बनी थी आजकल तो शायद ही कोई ऐसी गाड़ी बची होगी यो गड्डी तो ऐसी है कि राजा बैठा हो या रंक बैठा हो राजा ही दिखे है और बापू जी हम तो वैसे भी राजा से कम थोड़ा है वो तो सही है दूध 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 क्या हो गया बाबू जी वापस चलो चुप दादा बोला तो डिक्की में बंद कर दूंगा बहू बच्चा ने सुलाने की कोशिश कर ठीक है बाबू जी राघव
एक घंटे में तो शादी में पहुंच जाना चाहिए, ना तो देर हो जाएगी। बराबर नहीं बापू जी, पहुंच जाएंगे, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। एक आवश्यक सूचना, आज शादी में जाते हुए एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें बैठे सभी लोगों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। वाहन में परिवार जयपुर से कहीं जा रहा था। वाहन चलाने वाले का नाम राघव प्रताप सिंह बताया जा रहा है। अरे यो क्या खबर है? कुछ गड़बड़ होगी, ये रेडियो भी ना, नाम गलत सुन लिया होगा हमने। यो क्या हो गए हो? और वो खबर, वो तो सबने सुनी ना। अरे बापूजी, कोई और परिवार की होगी, जिनका नाम हमारे परिवार से मिलता जुलता होगा, इत्तेफाक है और कुछ नहीं। ये सब ना इस रेडियो के कारण है। मैंने इसको ठीक नहीं कराया था ना, इसलिए ये शरारते कर रहा है। क्या हो गए हो? बापूजी, लगता है कोई वायर ढीली हो गई है। देखना, ठीक हो जाएगा बापूजी, चिंता ना करो। एक मिनट। हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक हो जाएगी गाड़ी। हाँ परिवार में सिर्फ दादाजी यानी कि भानु प्रताप ही बचे थे, बाकी सब उन्होंने सबको बताने की कोशिश की पर कभी किसी ने उनका विश्वास ही नहीं किया। जब तक जिंदा थे उनको यह डर हमेशा सताता रहा कि कहीं किसी और परिवार का यह हश्र ना हो जो उनके साथ हुआ, तभी उन्होंने हमेशा यह टूटी फूटी कार अपने पास ही रखी। केयरटेकर का कहना था कि जब कार हवेली में लाई गई तब भी उसके रात को स्टार्ट होने की आवाजें आती रही, उसे गैराज में ताला लगाकर बंद कर दिया गया। भानु प्रताप जी की मौत के बाद उनकी वसीयत के अनुसार गाड़ी को परेश के पास मुंबई भेजना था। केयरटेकर ने गाड़ी के कागज मुझे दे दिए। मैं बाकी उन परिवारों से भी मिला जिनके पास वो गाड़ी थी। सबके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी, सबका कुछ ना कुछ खोया था। अब इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी बाकी थी, वो थी इस गाड़ी के पहले मालिक की। इस गाड़ी को खरीदने वाले पहले परिवार थे जोधपुर के सिसोदिया परिवार। अब उनसे मिलने में वहां गया। आपकी कहानी काफी दिलचस्प है, मजेदार भी, पर मुंबई के लोगों की सोच थोड़ी फिल्मी होती है, नहीं? इसलिए आपकी कहानी पर हमारा विश्वास करना शायद थोड़ा मुश्किल है। खैर बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मानता हूँ कुंवर साहब, मुश्किल मेरे लिए भी था पहले, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से साफ साफ देखा कि कार क्या क्या कर सकती। पता नहीं कितने सारे केसेस में इस कार ने लोगों को बर्बाद कर दिया और पता नहीं कितने सारे लोगों की जान भी गई। वैसे कोई और होता तो हम शायद उसकी बात पर विश्वास ना करते, पर क्योंकि आप एक पुलिस वाले, मुंबई से इतनी दूर
हमारे यहाँ आए तो आपकी कहानी में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। हमसे जो बनेगा हम आपकी मदद करेंगे, अवश्य करेंगे। हुकुम खंभागनी साहब। नमस्ते। बैठिए गोंदा जी। गए जमाने के अंगिनत नौकर चाकर में से अब यही जीवित बचा। गोंदा जी के परिवार ने सदियों से सिसोदिया राजवंश की सेवा की है, आज भी करते आए। प्रणाम गोंदा जी। हुकुम गोंदा जी, ये सिद्धार्थ है, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, मुंबई से आए, कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। गोंदा जी ये देखिए, इसे पहचानते हैं? क्या हुआ गोंदा जी, बोलिए। हुक्म गुस्ताखी होगी हुक्म। घबराइए मत, परेशान मत होइए, जो कहना है आप कह सकते हैं। आप कहे हैं हुकुम तो आइए, आइए हमारे साथ आइए। इनकी इस गाड़ी की देखरेख साफ सफाई का काम मैं ही करूं। उदय शाह को इस गाड़ी से बड़ा ही लगाव था। थाड़ी गड्डी आ गई हुकुम। आवाज पीछे करके बात कर। तू इतना खुश हो? थारी किस्मत में नहीं मारी गई, इसे मारी, सिर्फ मारी। हुकुम लगाइए जी। हुकुम गाड़ी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? देखना भी नहीं इसकी तरफ, इसके नीचे तो धूल है ना, वो भी औकात नहीं है तेरी। सुन लो सभी, आगे से कभी भी किसी ने भी हमारी गाड़ी को अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश की, तुम्हारा गाड़ी का पहिया होगा और उसका माथा।
गाड़ी को अभी इसी वक्त साफ करो। जी हुकुम। हम इसकी नुमाइश करने से पालीगांव ले जा रहे हैं और फिर मुजरे के बाद किसी खास मेहमान को इस गाड़ी की सैर भी करवानी है। जी हुकुम। जितनी साफ बाहर से हो उतनी अंदर से होनी चाहिए, समझे? जी हुकुम। और अगर जरा सी भी धूल दिखी तो थारे से चाट के साफ करवाएंगे। जी हुकुम। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख लो, जल्दी करो। ढोंदा तुम बड़ी किस्मत वाले हो क्योंकि हमारे सिवा सिर्फ तुम ही हो जो हमारी गाड़ी को हाथ लगा सकते हो। किसी और ने अगर हमारी गाड़ी को छूने की भी कोशिश की ना तो उसके हाथ हम इसी के पहिए के नीचे कुचल देंगे। अरे राह में पत्थर किसने रख दिए? भाग चलते। लेकिन आपके माथे से तो खून बह रहा है। मैं मरहम पट्टी लेके आता हूं। वक्त ही हमारे पास, वो लोग भाग जाएंगे। लेकिन हुकुम जाओ, हमारी बंदूक ले आ। गाड़ी लेके यहां से भाग निकलते हैं। कुंवर जी को पता चलेगा कि हमने गाड़ी चुराई है तो मारी तो शामत आ जाएगी। तू डरियो मत, कुछ नहीं होवेगा। कुंवर जी को इतनी जोर से मारा है कि बीच सड़क पर बेहोश पड़ा होएगा। बहुत प्यार करता था अपनी गड्डी से। चला दूंगा, रुक मैं भी आता हूं। गाड़ी को छूता है, मारे को मारे के मारी गाड़ी चुरा के भाग जाएगा। नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। क्या सोचा तूने? हम एक डंडा मारेगा हम मर जाएंगे। जो हमारी गाड़ी को छुएगा उसे हम वो हाल करेंगे उसका, उसके साथ मुझसे याद रखेंगे।
चल चल बीमा भाग जा चल जल्दी अपने बेटे के गुजर जाने से राजा जी नु घणो दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे की याद में उस गाड़ी को अपने पास ही रखी। उन्हें ऐसा लगे कि उस गाड़ी में उनका अपना बेटा हो और हम सब जो इस हवेली में काम करते थे, हम सबड़े रातों को उस गड्डी की आवाज सुनी। ऐसा लगे मानो उदय सा गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी तेज जैसे कि वो पहले चलाया करते थे। राजा जी के गुजर जाने के बाद गाड़ी को बेच दिया गया और गाड़ी के बिकने के बाद के होया ये तो सिद्धार्थ साह आप ही जानो हो। इसका मतलब इस गाड़ी में उदय की आत्मा है और आज भी वो इस गाड़ी से जुड़ी हुई है। इसीलिए वो इस गाड़ी को किसी का होने नहीं देते, किसी को चलाने नहीं देते, क्योंकि ये गाड़ी उदय की है और उदय की ही रहेगी। खैर, उम्मीद है कि इससे आपको अपनी समस्या का हल मिल गया। बल्कि मेरी समस्या और ज्यादा सुलझ सकती है। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। हाँ बोलिए। मुझे पूरी कहानी का पता चला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहाँ गया था मैं? उदय जी उस कार को इतना प्यार करते थे कि मरने के बाद उनकी आत्मा उससे जुड़ गई। किसी ने उसको हाथ भी लगाया या चलाया तो समझो उसकी शामत आई। तभी रंजय जी ने मुझे कहा कि मैं गाड़ी को लेकर जोधपुर ही आ जाऊं ताकि उदय की आत्मा को शांति मिल सके और बाकियों की जान बचाई जा सके। ओम भूरो भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भार्गवदेवस्य धीमहि यो यहो नः प्रचोदयात्। ओम भूरो भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भार्गवदेवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आभ्रां हरते नित्यं लक्ष्मी वरस्तु सर्वदा। ॐ पुष्पं समर्पयामि।
इस वाहन के लिए हमें एक मंदिर की स्थापना करनी पड़ेगी, जिसके लिए हुक्म तैयार है। उसके बाद फिर इस वाहन को कोई भी नहीं छू पाएगा, सब सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद ये वाहन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये गाड़ी हमारी सिसोदिया राजवंश की संपत्ति है और हमें लगता है कि इसे यहीं हमारे पास ही रहना चाहिए, तभी उदय शाह की आत्मा को शांति मिलेगी। अब उन्हें इस गाड़ी से कोई जुदा नहीं कर पाए। थैंक यू वेरी मच सिताक्षी, चलें। ओम शांति। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार आज हमने देखा कि कभी कभी आत्माएं सिर्फ मनुष्य, जानवर या जगह को ही नहीं बल्कि किसी वस्तु या मशीन को भी अपने वश में कर सकती है। ये तब होता है जब किसी मरने वाले की दिली चाह या इच्छा अधूरी रह गई हो। भूता वाहनों के किस्से कहानियां तो दुनिया भर की लोक कथाओं का सदियों से हिस्सा रहे हैं। ये मानना सही होगा कि इन वाहनों में, इनकी मशीन में कोई आत्मा नहीं, मगर इनके साथ जुड़े व्यक्ति ने इन पर एक मानसिक और आध्यात्मिक छाप छोड़ दी। वो इस मशीन से मरने के बाद भी जुड़े हुए हैं और इसे अपनी संपत्ति मानते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और उनके इस वाहन को अपना बनाए या उसको चलाने की कोशिश करे। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसको इस आत्मा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इन केसेस में आत्मा को अपनी उस चहेती मशीन के साथ ही रहने देना चाहिए और उस मशीन को फिर बेचने या चलाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए।